भाई तो कैसे हो सारे। तो क्या 2025 में योयो हनी सिंह एक्स दिलजीत दोसांझ ये लेजेंडरी कोलैबोरेशन हम सबको देखने को मिलेगा? वेल सीन ऐसा ही हुआ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। बेसिकली दिलजीत पाजी ने एक पोस्ट शेयर करी, उनकी अपकमिंग एल्बम का कवर आर्ट था वो, जिसमें हनी पाजी कमेंट करते हैं मेमोरीज ब्रदर्स। हनी पाजी के मैनेजर भी कमेंट करते हैं, बेसिकली दोनों को टैग करते हैं। इसकी वजह से मोस्टली फैंस होप करने लगे कि इन दोनों का पक्का इन फ्यूचर कोई ना कोई सीन देखने को मिलेगा, मतलब कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। इतना कम था क्या? हनी पाजी का एक फैन पेज है जिसने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि हनी पाजी और दिलजीत पाजी का कोलैबोरेशन कन्फर्म हो चुका है। उसने हनी पाजी के मैनेजर से पूछा कि पाजी इनका कोलैबोरेशन हो रहा है, तो उसमें लिखा था जी। अब भाई साहब जब आरडीएम पाजी से पूछा कि ये कन्फर्म है, तो उन्होंने बोला मैंने ऐसे कभी बोला ही नहीं। भाई साहब ये फेक स्क्रीनशॉट है, इन सब पे विश्वास मत करना, गंदा वाला कटा मेरा भी, क्योंकि मैंने वीडियो बना ली थी ब्रो। ऐसा मत करा करो यार, दिल से बुरा लगता है। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बाकी मोस्ट प्रोबेबली 2025 में अपन को ये कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। भाई तुम होप करो, क्योंकि हनी पाजी बहुत कुछ खतरनाक करने वाले हैं जो अपन ने प्रेडिक्ट ही नहीं करा, और वो पाजी कर देंगे, तो उसमें से एक ये कोलैबोरेशन भी हो सकता है। खैर आगे बातचीत करते हैं। Spotify रैप्ड भी आउट हो चुका है, हनी पाजी ने भी शेयर कर दिया। तुम देख सकते हो इस साल उनके 975 मिलियन स्ट्रीम्स आए Spotify पे, ये 1 बिलियन से ऊपर है, मैं तुमको आगे बताता हूँ। लेकिन रियल में अगर 25 मिलियन और स्ट्रीम्स आ जाते ना, हनी पाजी 1 बिलियन हिट कर जाते। अब सीन ऐसा है, हनी पाजी के 10 से ज्यादा गाने भाई Spotify ने रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से 135 मिलियन स्ट्रीम्स हनी पाजी के गायब हो गए, वरना आज हनी पाजी के 1.1 बिलियन स्ट्रीम्स होते Spotify पे। ये गलत है ब्रो। बाकी अपने हनी पाजी किस पोजीशन पे हैं ये कल पता चलेगा, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट ने अभी अपने स्ट्रीम शेयर नहीं करे हैं, तुम कल का वेट करो। इसके अलावा हनी पाजी के मैनेजर आरडीएम पाजी ने आज एक स्टोरी शेयर करी, लुकिंग फॉर अ म्यूजिक डायरेक्टर, इफ यू थिंक यू हैव द टैलेंट टू शूट बिगेस्ट वीडियो ऑफ योर होल करियर डीएम मी। मतलब कि हनी पाजी की ग्लोरी एल्बम से कोई म्यूजिक वीडियो शूट होने वाली है, जिसके लिए वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर देख रहे हैं जिसमें भाई तगड़ा टैलेंट हो, उसी के लिए उन्होंने ये स्टोरी शेयर करी थी। मैंने तो उनको सजेस्ट करा था कि रूबल जीटीआर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है भाई, जिसने सिद्धू मूसेवाला, शुभ और भी कई आर्टिस्ट हैं जिनकी म्यूजिक वीडियो शूट करी हैं, और खास करके जो ओल्ड स्कूल ट्रैक्स होते हैं ना भाई, उनकी म्यूजिक वीडियोज, उनके विजुअल्स, ये बंदा बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करता है। अगर इन्होंने एक ट्राई दिया उस बंदे के लिए, भाई साहब मजा ही आ जाएगा, क्या ही वीडियोज होते हैं भाई उस बंदे के। बाकी लेट्स सी क्या सीन होने वाला है। तुमको क्या लग रहा है हनी पाजी किस ट्रैक की म्यूजिक वीडियो अब शूट करने वाले हैं? भाई मुझे तो कैलियांते ट्रैक की म्यूजिक वीडियो देखना है, जो हनी पाजी ने कहा था मैं ब्राजील में शूट करूंगा, भाई क्या ही मजा आएगा। इसके अलावा राउंड एंड रिंग्स, 6 AM, माला माल, भाई इन सब ट्रैक्स की म्यूजिक वीडियोस आ जाएं बस। चलो आगे जो भी पता चलेगा बता दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, भाई को सपोर्ट करा करो अगर हनी पाजी के फैन हो। बातचीत तो उन्हीं के बारे में होती है। बाकी बाय।